हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजी टाई चैनल। आज हम आपके लिए कंप्यूटर के एमसीक्यू लेके आए हैं, 40 एमसीक्यू जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये लगभग कंप्यूटर के सभी चैप्टर से है, कंप्यूटर के सभी एरिया को कवर करते हैं। इससे आप अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको चेक कर पाएंगे और जो कि एआरओ स्टेज में 1 में आपके बहुत काम आने वाला है, जो कि अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा, क्योंकि ये 40 एमसीक्यू बहुत मेहनत से बनाए गए हैं और इसमें सभी जितने भी चैप्टर्स हो सकते हैं कंप्यूटर के, जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, सबसे समावेश करने की कोशिश की गई है, चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो। आप ऐसा करिएगा, इस एमसीक्यू को लगाइएगा, मैं इसके आंसर भी आपको बताऊंगा। आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसमें ऑप्शन लगाते जाइए, बाद में उसको काउंट करिए कि कितना आपका स्कोर बन रहा है और नीचे कमेंट में शेयर किए, ताकि आपका मूल्यांकन जो एनालिसिस है अन्य लोगों के साथ भी हो सके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड, जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर था वो उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी थी, बताइए आप। नहीं बता पाए होंगे तो मैं बता देता हूं, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम, ये फर्स्ट स्टेज का था और ये सेकंड स्टेज का था, ये थर्ड स्टेज का था। ठीक है, तो ये आपको सारी स्टेज हो गया, जनरेशन से संबंधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम कहां पर, रैम जो होती है वो कहां पर होती है, मतलब कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है उसमें कहां पर अटैच होती है रैम। तो अगर आपने कंप्यूटर कभी खोला होगा या कभी खुला हुआ देखा होगा तो आपको पता होगा, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम अलग होती है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होती है और ये वोलाटाइल होती है। ठीक है, मतलब अगर लाइट चली गई तो ये रैम से उड़ जाता है, जो भी आपने अगर सेव नहीं किया है तो ये मदरबोर्ड में होती है। ठीक है, मदरबोर्ड में ही सारी चीजें होती है, इसीलिए इसका नाम ही मदरबोर्ड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विस, मैं हिंदी बता देता हूँ, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वाले खुद समझ जाएंगे, हिंदी वालों को मैं समझा देता हूँ। डेटाबेस अगर सर्विसेज किसी को कंप्यूटर प्रोवाइड करता है तो वो कंप्यूटर क्या कहलाता है आपके हिसाब से? वेब सर्वर कहलाएगा, एप्लीकेशन सर्वर कहलाएगा, डेटाबेस सर्वर या FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, ठीक है, क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही आंसर, डेटाबेस सर्वर, क्योंकि डेटाबेस की सुविधाएं वो प्रदान कर रहा है एज ए सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है डेटा को किस फॉर्म में, कौन सी भाषा में उसको स्टोर करता है? ये डेसिमल हो गया, 0 से 9 तक होता है, ये 0-1 के फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल 0 से 9, फिर ABCD करके होता है। ठीक है, ये होता है हेक्साडेसिमल, ऑक्टल में 0 से 7 तक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके फॉर्म में करता है, बिल्कुल सही, इसका बाइनरी आंसर है, 0 और 1 के फॉर्म में करता है, इसीलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, बाइनरी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, एरिक्सन इसका आंसर है। 6, वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, आपके हिसाब से लॉग इन होगा 100%, लेकिन इसका जो सही आंसर है, अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इसका सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा आपको, ये ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ये रटने वाला क्वेश्चन है, बहुत रिपीट करता है, खासतौर से छोटे एग्जाम में बहुत रिपीट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको थोड़ा ही पढ़ रखा है तो आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट देखेंगे कि जो कॉमन लैंग्वेज जो वेब डिजाइनिंग होती है, जो इंटरनेट पे साइट वगैरह बनाई जाती हैं, उनमें कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाती है, बताइए। सी है, C++ है, PHP है, HTML है, क्या किया जाता है? मैं बता देता हूँ, आपने लगा लिया होगा, बिल्कुल सही, HTML सबसे बेसिक लैंग्वेज है और आपके नोटपैड में इनबिल्ट होती है, नोटपैड पे आप टाइपिंग करते हैं HTML ऐसे करके, बस जब आप सेव करते हैं तो .htm लिख दीजिए, बस वो आपकी फाइल बन जाएगी और सब क्लिक करके खोलेंगे तो बिल्कुल वेबसाइट की तरह खोलेगा वो। ठीक है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, बाकी जो चीजें ये हैं इनके सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS, बताइए, ये मुझे अच्छा लगा तभी मैंने इसको डाला है, थोड़ा इसको पता होना चाहिए ये भी चीजें, बिल्कुल सही, सबसे पहले तो MOO लिखा है तो मेटल ऑक्साइड तो अपने आप हो गया, मेटल ऑक्साइड इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है। दूसरी बात, कंटेंट तो हो ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब बी इसका सही होगा। 10वां, जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट कौन सी चीजें थी, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये, थर्ड ये, फोर्थ में, ऐसा बताया था आपको, बिल्कुल सही, आप उसी आधार पर लगाइए, फर्स्ट जनरेशन तो ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, यही पूछा जिसका सी आंसर हो गया। तीसरी बात, डायोड्स का उपयोग नहीं किया गया, डायोड्स को ऐसे उपयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब्स में किया जाता था, ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर BLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे,
विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो मतलब जो कंप्यूटर का हृदय होता है, दिल होता है, हार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोप्रोसेसर है। जाहिर सी बात है ये तो पेरिफेरल डिवाइसेज है, ठीक है, जितनी है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड इनपुट हो गया, स्कैनर भी इनपुट हो गया, ये तो डिवाइसेज है ना, पेरिफेरल डिवाइसेज। तो माइक्रोप्रोसेसर ही हार्ट होता है, जाहिर सी बात है यही सारा काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे वेयर बायोएस इज स्टोर्ड। बायोस को देख ली, बताइए कहां पे होता है? बूट से संबंधित है ये, बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम से संबंधित है ये, बिल्कुल सही। फ्लैश मेमोरी चिप इसमें होता है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो मेमोरी चिप में जैसे ही करंट पहुंचता है तो जैसे नहीं फ्लैश नाम है वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है बायोएस, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है SMPS की? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, ये नहीं तो कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि AC से जो DC में कन्वर्जन होता है वो SMPS ही करता है। ये हिंट आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूं इसका, तो आप समझ ही गए होंगे, अगर मैंने AC से DC कहा है तो पावर सप्लाई तो है ही है ही, तो इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। उसके बाद स्विच इसका ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ XCIF, बताइए। मैं बता देता हूं इसका सीधे सीधे, IF तो इमेज फाइल फॉर्मेट तो होगा ही, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन होगा एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट देखेंगे एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, इज क्या हो सकता है बताइए, कि कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो सिग्नल जाते हैं वो कैसे जाते हैं। अगर आपने कंप्यूटर कभी भी खोला या दिखा होगा तो आपको पक्का पता होगा, बस के द्वारा, केबल की एक पूरी पूरी तार वो रहता है, पट्टी सी रहती है, उसको बस कहते हैं, ठीक है। 16 देखेंगे IP एड्रेस जो होता है आपका, आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है IP एड्रेस, कभी आपने अपनी प्रॉपर्टी जाके चेंज की चेक की होंगी नेटवर्क कनेक्शन में जाके, तो ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, या कुछ भी हो सकता है। तो वर्जन जो होता है ये IPv4 वो कहलाता है, IPv4, ठीक है, कहलाता है वर्जन 4, ठीक है। इसमें क्या होगा, कौन सा फॉर्मेट होता है, जो ये फॉर्मेट है कौन सा है, 4 बिट होता है, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट, बिल्कुल सही 8 बिट, ठीक है, ये 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विच डिवाइस एमंग फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सेंडिंग डिजिटल डेटा ओवर ए फोन लाइन, डिजिटल डेटा है और फोन लाइन का यूज है, तो सीधे सीधे इसका आंसर बिना सोचे मॉडेम लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इन बैंकिंग और रेल, देखो बैंकिंग और रेलवे में जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये साइज के बेसिस पे कंप्यूटर का एक टाइप्स है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पक्का। मिनी कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर उससे बड़े होते हैं, मेनफ्रेम और बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं। तो मैं बता दूं आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपको इतना बेसिक तो पता ही होना चाहिए, सीधे सीधे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं बैंकिंग और रेलवे में। नेक्स्ट देखेंगे विच फॉलोइंग विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज इन इंटरनेट, इंटरनेट में क्या होता है, जब डेटा को ट्रांसफर करना होता है तो उसमें स्विचिंग की जाती है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, टेलीफोन तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का है, सर्किट भी नहीं हो सकता, टेलेक्स भी नहीं होता, तो बचा क्या, पैकेट, ये रट लीजिए, पैकेट स्विचिंग होती है हमेशा, ठीक है। 20वां इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम, जैसे रोज या और कॉलम हो गई, ठीक है, रोज और कॉलम हो गई, तो इस तरह अगर हुआ तो ये क्या कहलाता है, बिल्कुल सही, तो आपने जानते ही होंगे, इसका सीधे सीधे सेल आंसर हो जाएगा। 21 जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो कि सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है छोटी डिस्टेंसों के लिए, वो क्या होगा आपके लिए बताइए, मॉडम तो हो नहीं सकता, यूएसबी हो नहीं सकता, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा और 100% आप ये लगा के आएंगे, पर इसका आंसर ये सही है, ठीक है। अगर आपने यही सोचा था तो वाकई में आपकी समझ अच्छी है कंप्यूटर में, ठीक है, आपने SSC अच्छे से पढ़ाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ERP स्टैंड्स फॉर क्या होगा, ये तो कंप्यूटर की सीधे सीधे भाषा हो गई, इसलिए आपको रट लीजिए सीधे सीधे, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, और भी होती है ARP होता है, RARP होता है, कई होते हैं, ARP सबसे कॉमन होता है, आपको लास्ट का याद है तो आगे का आप लगा ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग्स, ये तो आपको फंक्शन की रटी होनी चाहिए सीधे सीधे, F7। वॉट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, बताइए, लगा लिया होगा आपने, मैं इसका बता देता हूं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट्स AC टू DC, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उसकी फुल फॉर्म बिल्कुल सही SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। तो
तो इस तरह हमने देखे, हालांकि मुझे 40 क्वेश्चन दिखाने थे लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो प्रैक्टिस करने में आपको दिक्कत होती है, तो ऐसा करूंगा मैं 25 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा शाम तक आज, और उसको भी आप कर लीजिएगा तो आपके 50 क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन का लेवल भी सही लगा होगा और जो इसका टाइप्स है जो हर चैप्टर से लगभग है तो आपको अच्छा ही लगा होगा निश्चित तौर से, तो 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे कंप्यूटर में। उसके बाद जिस पे आपको वीडियो चाहिए होगा वो देख लीजिएगा, मैं ARO GS की एक प्लेलिस्ट है आप उसको जाके देख लीजिए, उसमें सभी के MCQ पड़े हुए हैं, जो भी आपको चाहिए उसमें आपको मिल जाएगा जहां तक मुझे लगता है, अगर कुछ ना हो तो बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।